बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दोशीज़ किचन। तो बहुत सारे वेलकम के साथ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बजट सी टी टाइम रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेसिपी को। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी रेसिपी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो फ्रेंड, बनाना स्टार्ट करके रेसिपी को, बॉइल आलू है हमारे पास और ये हमने बॉईल कर लिए, अच्छे से सॉफ्ट कर लिए। हम इसको जो है थोड़ा सा मैश करेंगे और ऐसा करने के इसमें कोई भी टुकड़े ना रहें, मतलब कि पीसेस ना आए जो हैं पोटैटो के। तो देखिए मैं इसको मैश कर रही हूँ बहुत अच्छे से। ये देखें स्मूथ सा एक डो सा बन गया। ये देखें स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले जो हम चीज़ डाल रहे हैं, सॉल्ट डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा सॉल्ट हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें स्पाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। और ओरिगैनो 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है। इसमें ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर रहे हैं, हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किए, हाफ टी स्पून ये देखिए पेपरिका ऐड किया मैंने इसमें। स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर चुके हैं, ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। अभी मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ऑल पर्पज फ्लावर ऐड कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर ऐड किया मैंने। इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन, ये देखिए मैं इसमें ऐड करूँगी 1-2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। बटर भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे इसका। अच्छे से आप हाथों को अपने वॉश करके तो देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा डो बन जाएगा। तो ये देखें डो हमारा बन चुका है। इसको हमने कुछ देर के लिए रेस्ट दिया था, फ्रिज में रखा था। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। दो पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करते जाएंगे इक्वल पार्ट्स में। डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा बड़े या छोटे आप स्नैक्स बनाना चाहें। रोल कर लेंगे हम इसको। हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरह की पानी की बॉटल्स आपके पास होती हैं, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और प्रेस कर देंगे बहुत ही आराम से। और ये देखें हमारे मशरूम के स्टाइल, इस तरह से हम इनको दे देंगे शेप, डिज़ाइन बन गया हमारा। और इसी तरह से हम इसको ये देखें इस शेप में बनाते जाएंगे। और अगर आप उससे बॉटल से नहीं बनाना चाह रहे, इसी तरह के ढक्कन तो हर घर में होते हैं, आप इसको इस तरह से भी प्रेस करके बना सकते हैं। बहुत ही लाइटली इसको प्रेस करेंगे। ये देखें तो सब स्नैक्स को हम बना चुके हैं, इनको करने चलते हैं फ्राई। तो चलें मीडियम टू लो हीट पे ही करेंगे फ्राई इनको। तो जब एक साइड हो जाए तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो ये जो पोटैटो स्नैक्स हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं। आलू से हम बहुत सारी चीज़ें बना के बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के होते हैं। तो ये देखें हमारे जो स्नैक्स हैं फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा इनका कलर आ गया। निकालेंगे इनको, इसी तरह से हम सबको कर लेंगे फ्राई। और जब फ्राई हो जाएंगे तो करेंगे सर्व इनको। रेडी हो चुके हैं, सर्व करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ये देखें मज़े के बने हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ये देखिए क्रंची किस्म के स्नैक्स रेडी हैं हमारे। हम इसको करेंगे सर्व केचप के साथ, आप अपने फेवरेट डिप के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यम से बने हैं और बहुत ही कम टाइम में बड़ी यमी सी जो चीज़ें हैं आप बना के खा सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इसके साथ ही टिल नेक्स्ट रेसिपी, अल्लाह हाफिज़।